मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में ग्रामीण अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इतना ही नहीं, यहां ग्रामीणों को घंटों हैंडपंप की लाइन में खड़े रहना पड़ता है। बता दें कि ग्राम जामली में 10 लाख रुपए की लागत से यहां पानी की टंकी बनाई गई थी, लेकिन 2 साल में ही खंडर हो गई। पानी की समस्या है हमारे, दिन दिन भर पानी में हो जाता है, पानी का ठिकाना नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है। रात भर भी हो जाते, दिन भर भी हो जाता पानी, पानी नहीं मिलता, कोई साधन नहीं है। एक ही नल है और जो नल होने हैं सब बिगड़ पड़े हैं, पानी एक ही नल में है, पानी नहीं है, वो में पानी नहीं हीटे है, ये नल में भी अब तो 25,000 डाले हैं, 1.35 की बोल रहे हैं, तो 1.35 में क्या घर बन रही है, क्या कम से कम 2.5 लाख की तो होनी चाहिए। तो पानी नहीं है आपके गांव में? नहीं है, ये जो बरमे पे भीड़ लग रही थी, मतलब एक ही बरमे पे पूरा गांव वार से था, 10-15 बरमा है और एक ही चल रही है, सब बंद पड़े। इसकी शिकायत किया आप लोगों ने? शिकायत की तो सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुने। आने की व्यवस्था बहुत जो है, सारी रात बरमा पे पड़े रहते हैं, हमारा बाल बच्चा रोता है खूब, ये घर कोई का घर बच्चा बच्ची नहीं रखना वाला हो तो उसका बच्चा बच्ची घबरा जाता है। और क्या समस्या है? लेटरिन की सबकी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं ना गांव में व्यवस्था है ही नहीं, देखो नहीं दिखा रहा टप्पा। तो 1 लाख दे रिया तो उसमें क्या, और कुटी दे रिया तो 1 लाख में कोई मकान बन रिया।